यशोमति मैया के नंदलाला। हे नारायण, मैया तुम सब डर क्यों गए? कोई भी तो नहीं है यहाँ। पर वो तो है, सावित्री मासी का रक्षक बलदार। हे नारायण, मैं बलदार को भोजन देना तो भूल ही गई, और भूखे पेट तो वो हिंसक हो जाता है। काना, तूने सुना है ना कैसे सिंह घुमा के और लाते उठा उठा के मारता है? बलराम नहीं है जो तुम्हारी रक्षा करेगा, बर्दर है वो। बहुत कथाएं सुनी है इसके क्रोधित स्वभाव की, पर अपनी आंखों से ना देख लो। चल खाना, लौट चल। रुक जाओ, चिंता की आवश्यकता ना है, हम पे क्रोध ना करेगो ये। देखो कैसे स्वागत करो है। व्यर्थी भयभीत हो यो तुम सब। बाल कृष्ण ने छुआ तो एक साधारण बैल को है माँ, पर उनके स्पर्श का अनुभव मुझे हुआ है। बलधर, ये जो वानर महाराज है ना, ये मेरे सखा है, बहुत भूखे हैं ये, इसलिए हम इनके लिए तरिक माखन देने आए हैं। हमारा साथ दोगे ना? मैं भी बहुत भूखा हूँ प्रभु, सावित्री मैया चारा देना ही भूल गईं। आप मुझे खोल दीजिए ना। आप भी अपना कार्य निर्विघ्न कर लीजिएगा और मैं भी घास चर के अपनी भूख मिटा लूंगा। कर रहे जी? काना पागला हो गया हो क्या? माती कॉल काना, ये सीधा हमारी ओर आएगो और अपने सिंगों से उड़ा के चला जाएगो। संभव है? अब खड़े खड़े देखते ही रहोगे, भीतर चल लो है कि ना? तूने तो बलधर को भी अपनी टोली में मिला लियो काना। मैया कहती है मैं बात विशेष हूँ, तो अब विशेषता दिखानी तो पड़ेगी। चोरी विद्या प्रसारण टोली का अध्यक्ष हूँ मैं। चोरी विद्या प्रसारण टोली? चोरी विद्या प्रसारण अर्थात चोरी की विद्या का विस्तार करना। प्रभु,
ये बाल कृष्ण कैसे सीख दे रहे अपने सखाओं को? द्वार तो बंद है, भीतर प्रवेश करने का कोई उपाय तो खोजना पड़ेगा। सच्ची में मति भ्रष्ट हो गई है मेरी, अब अंदर कैसे जाएगा काना? कहीं वापस ना चला जाए। मिल गो पाए काना। चलो भीतर प्रवेश करते हैं। रुको, सीधे प्रवेश ना करते, पहले जांच पड़ताल करते हैं कि भीतर कोई है कि ना। पर सावित्री मौसी को तो हमने बाहर जाते देखा था, और कौन हो सकता है भीतर? ऐसे बाहर बलदस था, वैसे भीतर कोई और हो सकता है। हे नारायण, फिर तू ही जा, मैं ना जाऊंगा भीतर। माखन चुराना भी सरल ना है, सिर तक रहना पड़ता है। माता यशोदा यदि ये सब देख ले तो उनके मन को कितना दुख पहुंचेगा। ऐसे जब ठीक ना है लल्ला, जब भूख लगती है तभी मैया की स्मृति आती है तुझे। आज खेल के इतने शीघ्र कैसे आ गए तू? देख लल्ला, मैया तेरे लिए क्या बना रही है। सूजी का हलवा। अभी भी समय है लल्ला, कछु और खाना हो तो बता दे। आना तो बाहर गए खेलने, यशोदा किससे बातें कर रही? अब ऐसे मूर्ति बन के क्या खड़ा है, कछु बोलेगा भी? ननराज जी, ननराज जी, लगभग सभी को सभा की सूचना दे दी हो है, और जो तनिक दूर रहते हैं उनके बंसी गए हुए हैं सूचना देने के लिए, और उपनंद भाई आपकी चौपाल में प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलो देख लल्ला, अभी क्षण भर पहले तो पीछे ही खड़ा था, कहाँ चला गया? देख लल्ला जी, लुक्का छिपी खेलने का समय ना है, चल मिलके नारायण को प्रसाद चढ़ाते हैं। कान्हा कहाँ चला गया? पशुओं से तो ऐसे बात कर रहे है जैसे इनकी भाषा समझते हो। लग तो है यही रखा है सारा का सारा माखन। मुझे प्रयास करने दे, मैं आसानी से कर लूंगा। सावित्री के घर की कुंडी इतनी आसानी से नहीं खुलेगी लल्ला। कहो तो मैं ही तोड़ दूं द्वार। ना ना, चिंता मत कर काना, पीछे मुड़ के देख, सारा का सारा माखन ऊपर ही तो लटक रहो है। कोई लाभ ना हो तो गाओ माखन तो वो रो। पर जे तो इतनी ऊपर है
लड़की से उतारने के लिए हाथी बुलाना पड़ेगा। तो क्या अब हमें माखन ना मिलेगा? मुझे क्या पता था कान्हा की तू सच्ची में आने वालो है, ना तो मैं इतनी ऊपर लटकाती ही ना, ऊपर से चौकी भी रसोई घर में बंद है। ये तो स्वयं चाहती है कि कृष्णा इनका माखन चुरा ले, अविश्वसनीय है ये। यही तो लीला है देवी, लीलाधर श्री बाल कृष्ण की लीला, श्री बाल कृष्ण की लीला। कोई उपाय ना है कान्हा, इतनी पर्वत जितनी ऊंचाई पर तो चल ना सकते हम। चढ़ सकते हैं सखा, यदि हम ही पर्वत बन जाए तो कुछ भी कर सकते हैं। इतनी चतुराई कहाँ से लायो है जे? सबसे ऊपर कौन चढ़ेगा? नाना मैं ना करूंगा, ये संभव ही ना है, मुझसे ना हो पाएगा। मैं चढ़ूंगा सबसे ऊपर। आया कन्हैया रे, आया रे माखन का चोर, न ध्वनि कोई हो न पता कुछ लगे, आए चुपके से ग्वालों की टोली, चाहे कितना बचाओ छिपाओ कहीं सारा मक्खन ये कर जाए खाली। मुख से तो लगता है सरल ये बड़ा भीतर से चंचल, ये छल से भरा है ये नखट बड़ा चिच्चो। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। कान्हा की योजना सफल हुई, माखन मिल गयो। तैयार हो सब? हाँ। तो लो फिर, अब खाएगो जी मेरा माखन। वानर वराज, सबसे पहले तो आप ही लो। हैं? जिसकी जीभ अधिक लपलपाए वही सबसे पहले माखन खाए। स्वयं हाथों से अपने ये बांटे, पूरी टोली को माखन खिलाए, बड़ा नखट है नंद किशोर। लो दाऊ ये आपका। सारा माखन जे इन सब में बांट रहो है, स्वयं ना खाएगो? इतनी देर बाद ही सही, अब खा रहे जी मेरे हाथ का माखन। प्रभु, ये जो भी करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। मैं ये जानने के लिए आतुर हूं कि इस माखन चोरी की लीला के माध्यम से कौन सा संदेश देना चाहते हैं ये? बस यही कि यदि कोई भक्त सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करे तो भगवान अवश्य आएंगे और अपने भक्तों के कर्मों को सुधारने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे। फिर चाहे वो भक्त जानकी हो या सावित्री,
कृष्ण माखन नहीं खा रहे देवी, ये तो अपने भक्तों के दुष्कर्मों को मिटा रहे हैं ताकि उन्हें जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिला सके। पर प्रभु, ऐसे तो सारा संसार इन्हें माखन चोर बुलाएगा। ये माखन आत्मा की तरह है और आत्मा तो सदैव से ही परमात्मा की होती है, इसीलिए कृष्णा जो चुरा रहे हैं वो माखन नहीं, ये तो इन गोपियों की चित है देवी। अब से जो भी व्यक्ति इन्हें माखन चोर बुलाएगा वो इन्हें प्रेम से चित चोर कहकर भी पुकारेगा, वो इन्हें प्रेम से चित चोर कहकर भी पुकारेगा। सही कहा आपने प्रभु, चित्चोर तो है ये, इन्होंने केवल गोपियों का नहीं अपनी मैया का भी चित चुराया है। कान्हा, देख लल्ला, अब सामने आ जा। लल्ला, मुझे पतो है तू खम्बे के पीछे छुपो है, बाहर निकल। मैया, रुक, लल्ला, ठीक है, मतिया, मैं अकेले अकेले पूजा करने जा रही हूं। बस ऐसे ही पहले अपनी मैया को सताया कर और फिर अपनी जे निर्दोष सी मुस्कान से मेरा मन मोह लिया कर। और चाहिए? हाँ। ये तो फिर से माखन बांट रहे है, इसका इतना साहस? यदि यही सब करना हो तो मुझसे आज्ञा क्यों नहीं ली? मैं अपने हाथों से बहुत प्रेम से खिलाती, पर ये तो चोरी कर रहे है, इसकी आज्ञा ना दे सकती मैं। मेरा माखन व्यर्थ में सब में बांटने चलू है। वानर महाराज और तनिक ले लो। सखा तो सखा, ये तो वानरों में भी बांटने लगू है। और चाहिए? नाना, नन्ना है, भैया ने क्या कही थी? लोग बहुत भयानक राक्षस है। पर काना, अभी तो गले तक ही गए और माखन पूरे मटके छट कर गए और माखन अभी तक गले तक ही पहुंचा है। हाँ, भूत अभी मेरी भी ना मिटी है। वसंता, इसे तुम ले लो। इतना लोग बहुत भयानक राक्षस है। जी अच्छी बात ना है काना, अभी चल के यशोदा जी को बताती हूँ। पर आप ही नहीं तो कही थी कि आप किसी को कछु ना बताती, बल्कि प्रसन्नता से खिल खिल जाती।
जानकी के स्थान पर यदि काना ने मेरे हाथ का माखन खाया हो तो मैं किसी को कुछ ना बताती, बल्कि प्रसन्नता से खिल-खिल जाती। मैं तो मन में सोच रही थी, उसे बोल दिया था क्या? सच्ची बात तो ये है मौसी, ये मानव महाराज पूछे थे इसीलिए। कल मैं इसीलिए ना बेच पाई क्योंकि हाट जाने के लिए सकट ही ना मिलो, और आज बेचने के लिए तो माखन ही ना बचो। चिंता मत करो मौसी, दो गुनों से भी अधिक बिकेगो, भूखे की भूख मिटाने का पुण्य प्राप्त किया है आपने। बस आप मैया को कछु मत बताइयो। वैसे भी भूखे की सहायता करके मैं अच्छा कार्य ही तो कर रहा था, है ना? काना, मौसी अब सब गए, मैं भी जाऊं। किसकी भलाई कर दे कब किस बहाने, कान्हा की लीला तो कान्हा ही जाने। बड़े सौभाग्य उसने है पाए, कान्हा जिस घर से माखन चुराए।